कोलकाता नाइट राइडर्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को आईपीएल 2024 के 28वें मुकाबले में 8 विकेट से हरा दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 161 रन बनाए हैं। इसके जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने फिल शॉर्ट के ताबड़तोड़ 89 रन की बदौलत 26 गेंद शेष रहते मैच अपने नाम कर लिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15 ओवर 4 गेंदों में 2 विकेट खोकर 162 रन बनाए। 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता को दूसरे ओवर में पहला झटका लगा। सुनील नरेन 6 रन ही बना सके। रघुवंशी 6 गेंद में 7 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और फिल शॉर्ट ने विकेट नहीं गिनने दिया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी हुई। फिल शॉर्ट 47 गेंद में 89 रन और श्रेयस अय्यर 38 गेंद में 38 रन बनाकर नाबाद लौटे। लखनऊ की ओर से मोहसिन खान ने 2 विकेट लिए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 161 रन बनाए हैं। लखनऊ की ओर से निकोलस पुरन ने 32 गेंद में सर्वाधिक 45 रन बनाए। कोलकाता की ओर से मिचेल स्टार्क ने 3 विकेट चटकाए। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने दूसरे ओवर में सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक का विकेट गंवाया। दीपक हुड्डा 10 गेंद में 8 रन ही बना सके। लखनऊ के कप्तान केएल राहुल 27 गेंद में 39 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मार्कस स्टोइनिस ने 5 गेंद में 10 रन बनाए। आयुष बदोनी ने 27 गेंद में 29 रन की पारी खेली। निकोलस पूरन 32 गेंद में 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कुणाल पांड्या 7 रन बनाकर नाबाद रहे।